अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे पास जो तीन बकरे हैं ये नॉट फॉर सेल है, ये हमारे पलाई के बकरे हैं। हमारे एक दोस्त गुलजार भाई करके हैं थाना में, ये उन्होंने मुझसे परचेस किए थे और लगभग ये डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गए हैं उनको। ये दूसरा महीना रनिंग है, दो महीना लगभग कंप्लीट होगा अभी, तो दो महीने से मेरे पास है माशाल्लाह। मैं एक्चुअली ये इसलिए आप तक का वीडियो लेके आया था, उनको एक वीडियो भी देना था, मुझे बिफ़ोर आफ्टर भी बताना था। काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं नीचे कॉर्नर पे बकरा, जब मालवा आया था ये मालवा वो टाइम। और आप लोग ये बकरे की पहले भी वीडियो देख चुके होंगे, तो माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क आया है इनकी ग्रोथ में। और हमारी कोशिश पलाई के लिए बहुत अच्छी है, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि पलाई बेस्ट दे, दाना उनको अच्छे से अच्छा दे और कम करें, यानी लिमिट में करें, जो हमारी कैपेसिटी है उतना ही करें, ओवर ना करें। क्योंकि ओवर करने का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने के बाद फिर हम उनको संभाल नहीं पाते और ध्यान नहीं दे पाते। तो माशाल्लाह हम लोग ने बहुत अच्छा, हमारे पास लगभग कम ही बकरे हैं और मैंने कई बकरे रिटर्न दे दिया था। इशू भी होता है काफ़ी, पलाई टाइम पे नहीं आती है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं पराई के मुतालिक। और काफ़ी लोगों का ऐसा मेंटेलिटी हो जाती है कि हर महीने बकरा 5 से 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो वेट गेन करे, तो ऐसा नहीं होता है। जब फर्स्ट मंथ बकरा नया जब हमारे पास आता है आउट ऑफ बॉम्बे से या कहीं से भी सफ़र करके, तो पहला महीना तो काफ़ी बीमार पड़ता है, उसको स्ट्रेस आता है। उसकी वही टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक आपको वीडियो बनाऊँगा। तो आज तो मैं आपको पलाई के मुतालिक ही वीडियो बनाया था कि मैं आप तक का बताऊं कि हम लोग कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं। आप जो भी जिनके बकरे मेरे पास हैं और आने वाले हैं जो मैं, लेकिन अंडू बकरे रख रहा हूं ज़्यादातर, बेहतर है अंडू बकरों का। तो अंडू बकरे बड़े बकरे हैं या जो भी हैं अंडू बकरे, अगर किसी भाई के पास पलाई पर देना हो, रखने चाहते हो, हमारे पास सेपरेट केजेस है उनके रखने के, और ख़ास ध्यान दिया जाता है एक एक बकरे को एक ही केज में रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर उसने जितना उसको दाना डाले वो नहीं खाया तो हमको मालूम पड़ता है कि आज इसने दाना छोड़ा या नहीं छोड़ा। तो ये सब चीज़ें सेपरेट रखने से मालूम पड़ती है। और ग्रुप में जैसे खस्सी बकरे रखने में प्रॉब्लम ये होता है कि खस्सियों में एक साथ दाना डाला जाता है और सब ख़त्म होता है, लेकिन उसमें ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन खाया नहीं और कौन खा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अंडू के ऊपर थोड़ा सी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अंडू का रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है अल्लाह के फजल करम से हमारे फार्म पे। तो एक छोटी सी वीडियो थी, और ये हमारा चैनल का है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, तो हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक का पहुँचेगा। तो छोटी सी वीडियो मैं आप तक का लेके आया था, तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और पलाई के लिए अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।